कार्बन फाइबर स्टाइल में मडगार्ड मिलता है, और ये 17 इंचज़ के अलॉय व्हील्स। पीछे अपने को मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं, और हमें यहाँ पे हाफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने चैनल ऑटो एक्सपर्ट में। तो आज हमारे पास है पल्सर NS125। NS में हमें 125 cc, 160 cc और 200 cc का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन 125 cc में ना ये बाइक काफ़ी अच्छी पावर निकालती है। अगर मैं इसकी कंपेयर की बात करता हूँ तो, जैसे अगर 125 cc की बात करें तो 125 cc में स्कूटी तो काफ़ी आती है, लेकिन ये एक बाइक है। अगर 125 cc की मैं बाइक की बात करूँ तो उसमें TVS राइड और होंडा SP जैसी बाइकें आती है, क्योंकि TVS राइडर और होंडा SP 125 cc इंजन के साथ है। तो देखते हैं आज उनके कंपेयर में क्या ये अच्छी बाइक साबित हो सकती है। NS125 में सिर्फ एक ही मॉडल आता है जो आपके सामने है, स्टैंडर्ड वेरिएंट, और इसमें हमें 4 कलर के ऑप्शन मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसकी प्राइस की बात कर लेते तो 1,20,000 के आसपास इसकी प्राइस है, ऑन रोड 1,20,000। तो आगे से आप लुक्स देखो, लुक्स तो काफ़ी अच्छे स्पोर्टी है। और एक बार आगे से बात कर लेते हैं तो इसमें हेलोजन बल्ब के साथ हेडलाइट देखने को मिलती है। LED लाइट देनी चाहिए थी, मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखो हेलोजन बल्ब के साथ है, LED लाइट इसमें मिलनी चाहिए थी। और जो इंडिकेटर है वो भी हमें हेलोजन बल्ब के साथ देखने को मिलते हैं, ये देखिए यहाँ पे नंबर प्लेट लगेगी, यहाँ पे DRLs भी मिल जाते हैं, DRLs LED मिलते हैं हमें, ये देखो DRLs। और नीचे की तरफ आते हैं तो हमें कार्बन फाइबर स्टाइल में मडगार्ड मिलता है, हालांकि ये कार्बन फाइबर है नहीं, लेकिन उसी के स्टाइल में दिया गया है। और अब बात करते हैं सस्पेंशन की, तो ये है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो कि काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और आगे हमें डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे मिलते हैं ड्रम ब्रेक, और यहाँ पे हमें नाइट रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं। टायर साइज़ की बात कर ले फ्रंट वाले तो 80x100 का टायर साइज है, और अलॉय की बात कर ले तो 17 इंच की इसमें अलॉय व्हील मिल जाते हैं हमें, और काफ़ी स्टाइलिश अलॉय व्हील है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और दोनों ही हमें ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। हाइट की बात करें तो 1 मीटर की इसमें हाइट मिलती है, 2 मीटर की लेंथ मिल जाती है। अब कुछ ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 125 की ग्राफिक्स दिए गए वाइट कलर में। 5 स्पीड का इसमें गियर नॉक मिल जाता है, साइड स्टैंड भी दिया गया है यहाँ पे, और ये फुट रेस्ट, ये डबल स्टैंड भी दिया गया है, और 179mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि इंडियन रोड के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी अच्छा इसमें चेन सेट मिलता है हमें, चेन सेट ये देखिए, चेन सेट काफ़ी अच्छा है, चेन सेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बाइक में क्योंकि चेन ड्राइव होती है। और ये फुट रेस्ट, और पीछे हमें मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं, और मोनोशॉक सस्पेंशन काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर। और टोटल बाइक का वेट बात करें तो 144 kg के आसपास का इसमें कर वेट मिलता है। और टैंक पे यहाँ पे पल्सर की ब्रांडिंग भी मिल जाती है हमें। एक बार इसकी सीट की तरफ चलते हैं तो 2 अलग अलग इसमें सीट मिलती है। एक बार पीछे की तरफ आते हैं तो इस तरह के लुक्स मिलते हैं पीछे से, आप देख सकते हो, ये देखो। एक बार मैं इसको ऑन करता हूँ लाइट को, तो ये देखिए प्योर LED इसमें बैकटेल लैम्प मिलती है। पीछे में बैकटेल लैम्प LED मिलती है, तो आगे भी LED दे ही सकते थे यार। और यहाँ पे पीछे नंबर प्लेट लगेगी, यहाँ पे रिफ्लेक्टर, और टायर गार्ड पीछे वाला, और पीछे वाला अलॉय भी सेम है 17 इंचज का। और ये पीछे मिलते हैं हमें ड्रम ब्रेक, ये देखिए ड्रम ब्रेक। और पीछे वाला टायर साइज़ की बात कर ले तो 100x90 का टायर साइज़ मिलता है, और ऐसे दिखती है ड्रम ब्रेक्स। NS125 की बैचिंग मिलती है, और पीछे हैंडल ग्रिप करने के लिए मिल जाता है हमें, जो कि काफ़ी अच्छा स्टाइलिश मिलता है। हैंडल बार की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बार मैं जूम करता हूँ इसको, यहाँ पे ये पास की लाइट मिल जाती है, हाई बीम लो बीम, और इस साइड इंडिकेटर का स्विच, नीचे हॉर्न, और साइड में इंजन ऑन करने के लिए और स्टार्ट करने का स्विच। और ये NS125 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें हमें हाफ डिजिटल और हाफ एनालॉग मिलता है, जैसे RPM में ये एनालॉग है, और जो स्पीडोमीटर है वो हमें डिजिटल मिलता है। यहाँ पे बैटरी की लाइट, हाई बीम लो बीम की लाइट, न्यूटन की लाइट, साइड इंडिकेटर की लाइट, और ये जो अपने स्पीडोमीटर है ये हमें डिजिटल मिलता है, देखिए ट्रिप की सेटिंग्स। तो यहाँ पे बटन दिए गए 2, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते, ट्रिप ए, ट्रिप बी, रेंज, टोटल किलोमीटर, ये सब इसमें दिखता है। फ्यूल लेवल, जो फ्यूल लेवल है वो भी इसमें हमें डिजिटल मिलता है। अगर पूरा डिजिटल देते तो काफ़ी अच्छा होता वैसे, लेकिन आने वाले मॉडल्स में शायद हमें देखने को मिले।
पर इसकी चाबी निकालते हैं, साथ साथ इसका फ्यूल टैंक भी देखते हैं कितने लीटर का मिलता है। तो इसमें हमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। माइलेज प्रैक्टिकली की बात करें तो लगभग इसमें 55 टू 60 के आसपास की मिलती है। कंपनी तो 64 की क्लेम कर रखी है, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो 55 60 की तो मिल ही जाएगी। एक बार इसकी टॉप स्पीड भी नज़र डालते हैं तो 100 प्लस की इसकी टॉप स्पीड है और 0 टू 60 जाती है 6.6 सेकंड में। तो 100 प्लस की टॉप स्पीड है, मुझे लगता है मतलब कि 110 तक तो ये चली जाएगी। 110 की टॉप स्पीड, वो 110 की टॉप स्पीड। अब इसकी इंजन की बात कर लेते हैं, वो भी मेन है। तो यहाँ हमें मिल जाता है 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 इंजन जो प्रोड्यूस करता है 12 BHP एंड 11 NM का टॉर्क। तो आप देख सकते हो TVS Raider और Honda SP पावर में पीछे रह गई है। हालांकि अगर Honda SP और TVS Raider की प्राइस की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम है, 1,20,000 के आसपास। तो उसके मुकाबले NS125 में काफ़ी अच्छी पावर मिलती है। और लुक्स तो बेहद ख़तरनाक है, मतलब होंडा SP और TVS Raider से तो काफ़ी अच्छे लुक्स मिलते हैं। हालांकि इसके कंपेयर में देखा जाए तो NS200, NS160, FZX, Gixxer 150 और वो टाइप इसकी स्पोर्ट्स बाइक है ये एक। तो ये आप देख सकते हो उसके कंपेयर में, और ये लेग ब्रेक और इसमें किक स्टार्ट भी मिलता है जो कि आजकल बाइक में बहुत कम देखने को मिलता है, और ये राइट साइड फुट रेस्ट। अब इस प्राइस में छोटी मोटी कमी तो बस एक सबसे बड़ी ये नज़र आई कि यार LED लाइट हमें मिलनी चाहिए थी। LED लाइट दे देते तो इस प्राइस रेंज में तो वो भी काफ़ी अच्छा होता। तो ये है इसमें एक माइलेज इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो ये था NS125 का फुल डिटेल रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। गुड लक।